टीवी में न्यूज़ में सभी चोरी का सुना मैं खरीद लिया बोल को मैं जारस करे को बोल लखो न्यूज़ फैला है मजे मेरी जोरू मेरे बच्चे अंकु सबके ऊपर भी एक एफ आई आर करा को पुलिस मेरे घर के पास आई थी। बोमनहल्ली बाबू अटिगा गोल्ड कंपनी के ओनर को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है क्योंकि उन्होंने जो है चोरी का गोल्ड लिया है, इस बात पर आपका क्या कहना है? देखो दो दिन पहले टीवी में न्यूज़ में सभी चोरी का सुना मैं खरीद लिया बोल को मैं जारस करे कर बोल लखो न्यूज़ फैला है सलासल झूठ था। वो चैनल वो मीडिया थोड़ी देर के बाद मेरी दूसरी वाइफ कंप्लेंट दी है उसके केस में मंजे पुलिस अरेस्ट करी कर बोल लखो न्यूज़ फैला लगते हैं दो बात भी झूठ। वो झूठ को सही दिलाने के वास्ते जस्ट प्रसमीट कराया था यहाँ। एक्चुअल उस दिन क्या था का तो मेरे दो बच्चे दूसरे मेरे रिश्तेदार के एक बच्चे को मैं घर में पाल लिया था उसे MBBS पढ़ा को MBBS डॉक्टर बना को मेरे साथ घर में रख लिया था मेरा बच्चा कर बोल लखो। लेकिन एक साल के पहले करोड़ों रुपये खर्चा करके उसे अच्छे बड़े घर में शादी भी कराया। वो बच्चा ज़रा कमीना निकला मुझे कमीना निकल को क्या करया उसके सास के घर में जो मिल लखो हमारे सक ज़रा गड़बड़ा कराया घर में हमें समझे इसके बाद इसे घर में रखना हमारा बराबर नहीं जा भाई तो अलग चले जा देखो छोड़े अलग जा को एक साल तक उनके सास के घर में मिल लखो उन्हें बिजनेस कर लो उन्हें भी क्या किया कंपनी बना लो कुछ जी लग था। अब दो चार महीने के 15 दिन के पहले जोरू मरद में कहीं गलाटा हुआ ससरे जवाई में वो ससरा उसका आंध्रा में मेरा दोस्त उन्हें वो गाँव का मेयर सिटी का मेयर एक बड़ा आदमी उन्हें भी बड़ा पैसे वाला भी पॉलिटिकल भी पावर प्रेजेंटली मेयर वहाँ बेटी जवाई के क्या के गलाटे में मजे मेरी जोरू मेरे बच्चे अंकु सबके ऊपर भी एक एफ आई आर करा को पुलिस मेरे घर के पास आई थी। मेरे घर के पास आको मुझे 41 CRPC का डोमेस्टिक वायलेंस 498 केस का 41 CRPC नोटिस दिए वो नोटिस को इमीडिएट हमारे साथ आको वहाँ स्टेटमेंट देना करे मैं भी उनके साथ गया था मैं मेरी जोरू बच्चों को बुला लो किसके ऊपर उन्होंने नोटिस दिया सबको बुला लग जाको वो नोटिस को स्टेटमेंट देखो वो नोटिस को क्लोज कर को वापस बेंगलोर गया ये सही था। लेकिन मीडिया में चले सका चोरी का सुना भी नहीं चोरी के सुनने के केस भी नहीं दूसरा जोरू मुझे मेरे ऊपर कंप्लेंट दी करे सो दूसरी जोरू मुझे कोई भी दूसरी जोरू भी नहीं है ये बोलना फाइनल था। सर ये जो फॉल्स एलिगेशन लगाया इस मीडिया के ऊपर आपने कुछ एक्शन लिया उनके ऊपर ऑलरेडी डेफर्मेशन फाइल करा रहा हूँ उसके बाद ब्रॉडकास्टिंग नेशनल ब्रॉडकास्टिंग करके गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनके चैनल आगे लाइसेंस को कैंसिल करो करके हमारे तरफ से लेटर जा रहा है उनके ऊपर। सर 498 केस में अरेस्ट नहीं कर सकते हैं सर तो पुलिस आकर आपको कैसा लेके गए? नहीं नहीं ले को गई करने का झूठ तो बात ले को गई नहीं मुझे नोटिस दिए आज आपको आंसर दियो करे मेरे कारण में समझ गया आप खुद पर्सनली चले गए ये जाना जाना पुलिस नोटिस दिए बाद देखो इंडियन कानून क्या है तो कानून के समय कौन भी पढ़ा नहीं बराबर नोटिस दिए उन्हें करे सो गलत क्या कर तो मेरे साथ ही चौकर बोले मुझे मजबूरन उस सेम डेट को मैं अटेंड करना कर नोटिस दिए थे अब दिए बाद वो डेट को अटेंड करना कर तो जाना छः से 800 किलोमीटर उसका से निकला वो गाँव को फ्लाइट डायरेक्ट नहीं है वो फ्लाइट अभी शाम को हिंसो विजयवाड़ा जाको विजयवाड़ा से वहाँ से 100 किलोमीटर जाना फ्लाइट आ नहीं मजबूरन वो डेट को मैं अटेंड करना पड़ा उसके से उनके साथ मेरे कारा में हमें निकलना पड़ा उससे। सर इसको फैमिली को कैसे मतलब फैमिली के लोगों को इन्वॉल्व करके इस तरह कैसे पॉसिबल कैसे हो रहा है? देखो क्या भी जिसमें बेसलेस मैं हमारा पालन बच्चा उसकी जोर उसके ऊपर कंप्लेंट दी तो अट्टिका बाबूज करके बोली मेरे बेटे इन्हों क्या कर सकती अब उनको घची लगा मार तो नहीं सकता मैं लेकिन उनके ऊपर कानून क्या कर सकता हूँ कानून तो करना वो एंगल में काम चल रहा मेरा।